हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फोटो कैसा था और कैसा हो गया है। अगर आप भी फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलो बिना समय गाँव वीडियो तो गाइस आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। और गाइस आपको कुछ इस प्रकार से फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप जो भी फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं वो आपको फोटो को सेलेक्ट कर लेना है और शेयर करना है आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। गाइस तो आपको वो टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करना है। टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको ट्यून इमेज पर क्लिक करना है करके आपको ब्राइटनेस को 12 और कंट्रास्ट को माइनस थोड़ा 25 तक और सेचुरेशन को प्लस और एम्बियंस को थोड़ा प्लस और हाईलाइट को कम शेडस को ज़्यादा और वार्म को जी कम ही रखना है। इतना करने के बाद गाइस आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको एक बार और टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करना है। आपको वो डिटेल्स वाले आइकन पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको स्ट्रेचर को थोड़ा प्लस करके 12 तक करना है और शार्पनिंग को प्लस करके 30 तक कर लेना है। इतना करने के बाद गाइस आपको वो शेयर करना है लाइटरूम ऐप के अंदर। तो गाइस देख सकते हैं कि हमारा फोटो लाइटरूम के अंदर ऐड हो रहा है। तो गाइस देख सकते हैं कि हमारा फोटो लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद आपको कलर वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको मिक्स वाले आइकन पर क्लिक करना है करके आपको रेड में सैचुरेशन को माइनस करना है और लुमिनस को प्लस और ऑरेंज में भी सैचुरेशन को माइनस करना है और लुमिनस को प्लस। येलो में आपको उस सैचुरेशन को प्लस करना है और लुमिनस को कम। ग्रीन में भी इस सैचुरेशन को प्लस करना है और लुमिनस को कम। इतना करने के बाद आपको अपना फोटो को डन कर देना है और लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको स्क्रीन को थोड़ा प्लस करना है, कंट्रास्ट को माइनस, फिर हाईलाइट को कम माइनस 42 तक, शेडोज को ज़्यादा और वाइट को कम और ब्लैक को ज़्यादा। इतना करने के बाद गाइस आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद गाइस आपको शेयर करना है स्क्रेच बुक एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फोटो स्क्रेच बुक एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो चुका है। आपको इस डॉट वाला आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्मूथ वाला ब्रश चूज करना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये वाला आपको बड़ा सा ब्रश ले लेना है। लेने के बाद आपको मैं अपना सेटिंग दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सेटिंग कितना है। और इतना करके आपको अपने फेस पर कुछ इस प्रकार से चलाना है, इससे हमारा फेस स्मूथ होने लगेगा HD क्वालिटी में। तो गाइस इस वीडियो को फास्ट कर दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गाइस देख सकते हैं कि हमारा फेस स्मूथ हो चुका है। स्मूथ होने के बाद गाइस आपको वो शेयर करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस देख सकते हैं कि हमारा फोटो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद आपको रिटच वाला आइकन पर क्लिक करना है। आपको हेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद गाइस आपको इरेज के सहायता से अपने हेयर के कलर को मिटा देना है। आपको वो इस गुलाबी वाले आइकन पर क्लिक करके सैचुरेशन को 100 और एम्बियंस को 100 कर देना है। इतना करने के बाद आपको ब्रश वाले आइकन को लेकर अपने होठों को कर से चलाना है और सैचुरेशन को माइनस कर देना है। इतना करने के बाद गाइस आपको थोड़ा प्लस कर देना है अमाउंट को। इतना करने के बाद आपको सही पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको हेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है।
फिर आपको इरेज की सहायता से अपने हेयर के कलर को मिटा देना है। फिर आपको रेड वाला आइकन पर क्लिक करके सेचुरेशन को 100 और अमाउंट को 100 करके अपने सल्ट पर कुछ इस प्रकार से चलाना है। तो गाइस आप लोग हमारा फोटो को देख सकते हैं कि कैसा एडिट हो गया। फिर आपको कुछ हेयर वाले कलर पर आपको क्लिक करना है और इसी तरह करने के बाद आपको रेड वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और सैचुरेशन और अमाउंट को 100 करके अपने चश्मा पर कुछ इस प्रकार से चलाना है। आज देख सकते हैं कि हमारा फोटो एडिट हो चुका है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आशा करता हूं कि ये फोटो एडिटिंग का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।